प्रोग्रेस में जो हमारी देश के अंदर नई पॉलिसी बनी है रिक्रूटमेंट पॉलिसी आर्मी की अग्निपथ, उसको लेके युवाओं में जो रोष है, आम आदमी पार्टी युवाओं के साथ एकजुटता शुरू करती है। उस सिलसिले में मुझे लगता है प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जो जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई नए हथकंडे अपनाए होंगे किस तरीके से प्रोटेस्ट को रोका जाए। बट ये मैं बताना चाहता हूँ, वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉट इन ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हर लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। और दूसरा, जिस तरीके से अनडेमोक्रेटिक तरीके से देश के अंदर फैसले लिए जा रहे हैं, पार्लियामेंट से नहीं पूछा जाता, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशंस नहीं होती, अपोजिशन को नहीं जाता, एक्सपर्ट्स की राय नहीं ली जाती, इस तरीके से जिस तरीके से फैसले लिए जाते हैं और देश अनाकी की तरफ जा रहा है, अनडेमोक्रेटिक तरीके से जो फैसले लिए जा रहे हैं, आप देख लीजिए अनडेमोक्रेटिक तरीके से हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है। तो देश के अंदर जब प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं होगा, इस तरीके से पुलिस हमें नज़रबंद कर देगी, तो समझ लो कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। अब आगे इनको पता होगा क्या है सीन, आज जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरफ लेके जाती है इस मोड़ को। बट जम्मू के अंदर, जम्मू प्रोविंस के अंदर लखनपुर से लेके पीर पंजाल तक, चुनाव बेली तक, पूरी जहाँ पे आम आदमी पार्टी आज प्रोटेस्ट करेगी।